हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों, आरबीएल बैंक का Q3 रिजल्ट आया जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कंपनी का मुनाफा भी पहले से 6% बढ़ा है, एनपीए में भी कमी आई है, ब्याज की आय भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ग्रॉस एनपीए भी कंपनी का बढ़ा है। और दोस्तों, आरबीएल बैंक के आय में भी काफ़ी ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले इजाफा भी हुआ है। दोस्तों, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म जैसे CLSA, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, मैकक्वारी और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को बाय करने की सलाह दी और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 200 प्लस कर दिया। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि आरबीएल का रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आने वाले समय में इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। अगर आपने पिछले एक सप्ताह देखा हो तो आरबीएल बैंक का जो शेयर वो लगभग 20% से ज़्यादा अभी तक उछल गया है। तो दोस्तों, हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।